हेलो फ्रेंड्स, एचआरएम के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? जॉब इनरिचमेंट इज द अटेम्प्ट टू बिल्ड इनटू जॉब अ ग्रेटर सेंस ऑफ चैलेंज एंड अचीवमेंट। तो आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई आपका रोल है, तो उसमें आपके चैलेंजेस या आपके अचीवमेंट को बढ़ा के देना, यानी आपके जॉब में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दी जाएगी। लेकिन इसमें आपके जो पोस्ट है, पोस्ट चेंज नहीं होता, आपकी पुरानी पोस्ट में जो प्रेजेंट पोस्ट है उसमें आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दी जाएगी। द एक्यूमुलेशन ऑफ अचीवमेंट मस्ट लेड टू फीलिंग ऑफ पर्सनल ग्रोथ अकम्पलिश बाय अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉब इनरिचमेंट से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है, जो स्टाफ है, उसको सेंस होता है, उसको फील होता है कि उसको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम उसको दिया गया है। जॉब इनरिचमेंट इज अ कॉमन मोटिवेशन टेक्निक यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू गिव एम्प्लॉयर ग्रेटर सेटिस्फिकेशन इन हिज वर्क। तो किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम देते हैं तो उसको जो है बहुत मोटिवेशन फील होता है। ये भी एक तरीके की मोटिवेशन की टेक्निक है जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉय को जो है सेटिस्फाई करती है कि वो अपने काम से खुश रहे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके जो है अपने काम को करे। तो जॉब इनरिचमेंट में क्या हो रहा है कि आपके जॉब में आपको चैलेंजेस, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दी जा रही है, तो उसी को बोला जाता है जॉब इनरिचमेंट। यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने रखा है, जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो जॉब इनरिचमेंट के बारे में तो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा था ना, तो इसमें क्या होता है, टू हैंडल ड्यूटीज ऑफ हायर कैडर जॉब इनरिचमेंट गिव्स द एम्प्लॉय मोर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द सेम जॉब। तो देखिए, जो जॉब आपका इसमें जो जॉब इनरिचमेंट है उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, ज़्यादा आपको ड्यूटीज दी जाएगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी इन द प्रेजेंट जॉब, ठीक है। तो वो हमारा जॉब इनरिचमेंट का हो गया, जो कि हमने यहाँ भी देखा था कि आपकी पोस्ट वही है, प्रेजेंट पोस्ट है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप क्या बहुत मोटिवेट होके जो है अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन का टेक्निक होता है। तो जॉब एनरिचमेंट को तो हम समझ गए, अब हम बात करते हैं जॉब इनलार्जमेंट में। तो जॉब इनलार्जमेंट में क्या होगा, इट एड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर पोजिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे को हायर पोजिशन दी जाती है, यानी इसमें हमारी पोजिशन जो है चेंज हो गई है। हमें मान लीजिए आप स्केल 1 थे, तो स्केल 1 से आप स्केल 2 बन जाएंगे, तो आपकी हायर पोजिशन होगी और उस टाइम पे फिर आपको जो है उसमें हाई पोजीशन के हिसाब से आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें आती है। तो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि जो जॉब इनरिचमेंट होता है इसमें इंप्लॉयज़ को ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है इन द प्रेजेंट जॉब। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट के बीच में। जॉब इनरिचमेंट में आप स्केल 1 है, इसमें आप स्केल 1 ही रहेंगे, बट इसी में आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी जिससे आप ज़्यादा मोटिवेशन के साथ अपना काम करते हैं। लेकिन जॉब इनरिचमेंट में क्या है कि आपको स्केल 1 से स्केल 2 बना दिया जाएगा और जैसे आपकी पोस्ट पड़ेगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बढ़ जाएगी। तो यही मेन मेन दोनों में इसमें जो है डिफरेंस इसमें हो गया। और जो जैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है ना, तो किसी भी इंडिविजुअल को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है तो उसको लगता है कि हाँ मेरी वैल्यू है, सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग उसको आती है कि मेरा रोल मेरे बिजनेस में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कोई वैल्यू है, मेरे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है तो उसका मतलब मैं डिजर्व करता हूँ, इसीलिए मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। तो इस तरह की फीलिंग्स एम्प्लॉय को आती है और वो फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम डेवलप न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड नॉलेज सो एज टू हेल्प इंश्योर सक्सेस। तो आपके पास ऑलरेडी कोई नॉलेज है, उसमें कुछ आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेस इंस्ट्रक्शंस टू फिट इंडिविजुअल्स नीड्स, फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड असेस। तो क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उस चीज पर फोकस कर रहे हैं। टेक इंडिविजुअल नीड्स एंड एबिलिटीज इंटू अकाउंट वाइल प्लानिंग लेसन एंड कैरिंग देन आउट। तो ये जो आपका जो सेल्फ एस्टीम का जो प्रोसेस होता है, इस पूरे ही प्रोसेस में, सो सेल्फ स्टीम को अगर हम बहुत सिंपल वैल्यू में बोलना चाहें तो मतलब हम खुद को जो है हम खुद पे कितना बिलीव करते हैं, ठीक है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे खुद के बारे में क्या बिलीव्स है, हमारे खुद को लेके क्या बिलीव है, क्या ओपिनियन है, ठीक है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो वही हमारा सेल्फ स्टीम होता है। हमारी खुद को लेके क्या परसीव है, हम क्या सोचते हैं, हमारी खुद को लेके क्या ओपिनियन है। तो हर किसी इंडिविजुअल को अपने बारे में ओपिनियन होती है। जैसे आपको मालूम होता है कि आप क्या है, आपकी खुद की जो है वैल्यू करना, ठीक है। जैसे कोई पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है तो बोलते हैं कि मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। तो यानी उसका सेल्फ एस्टीम क्या बता रहा है उसको, सेल्फ एस्टीम एक्जैक्टली ये होता क्या है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी खुद के बारे में क्या राय है, तो वो होती है आपकी सेल्फ एस्टीम। तो कोई पर्सन है वो जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उसको मालूम है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, तो वो खुद के बारे में जानता है, वो खुद को, आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 1 to 10 में से आप अपने आप को खुद के लिए कितने मार्क्स देंगे, तो आपको मालूम है कि मैं कैसा हूँ, मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ, तो आप खुद को ज़्यादा बेटर वे में जानते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 से 10 में से खुद को 8 नंबर दिए, तो उसका मतलब आप खुद की जो है 10 में से 8 रैंक दे रहे हैं, तो किन किन क्वालिटीज के बेसिस पे आप दे रहे हैं तो वो आपको मालूम है। तो उसी हिसाब से आपने खुद की वैल्यू की है, और खुद की वैल्यू करना, खुद पे बिलीव, खुद का जो ओपिनियन होता है
उसी को जो है सेल्फ एस्टीम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब अंदर से कोई ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करे, अंदर से आपको खुद से जो है मोटिवेशन की फीलिंग है उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऐसे एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनसे हमें मोटिवेशन फील होता है उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक। जैसे आप लोग जॉब करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? मनी। तो आपको सैलरी मिलती है इसीलिए आप लोग जॉब करते हैं और आप 8 या 10 घंटा बैंक में स्पेंड करते हैं। अगर मान लीजिए आपको पैसा ही नहीं दिया जाएगा तो क्या आप लोग जॉब पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये हमारा मोटिवेशन फैक्टर्स है काम करने के लिए, मनी, ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे जो है और भी हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशन फैक्टर्स में आ जाएंगे। ऐसे का होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब आपको खुद से अंदर से जो है मोटिवेशन की फीलिंग आ रही है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पजल सॉल्व करनी शुरू की तो आप खुद को मोटिवेट रख पा रहे हैं पजल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपका उस पर इंटरेस्ट है या आपकी कोई हॉबी है जिसकी वजह से आप खुद को मोटिवेट कर पा रहे हो उस काम को करने के लिए। तो उसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये मोटिवेशन आपको खुद को अंदर से, इंटरनल से जो है अंदर से फील होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू बिहेवियर दैट इज ड्रिवन बाय इंटरनल, इन अदर वर्ड द मोटिवेशन टू एंगेज इन अ बिहेवियर अराइज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल बिकॉज इट इज। तो इसमें जो है काम करने के लिए मोटिवेशन हमें किस लिए मिल पाता है? इंडिविजुअल्स को अंदर से जो है फीलिंग आती है, मोटिवेशन फील होता है कि ये काम हमें करना है। जैसे कोई भी आपको एक बहुत डिफिकल्ट पजल दी गई है और आप बहुत मेहनत से उस पजल को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा आप किस लिए कर पा रहे हैं? ऐसा आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं उस पजल को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही वो पजल सॉल्व होगी तो आपको कहीं से पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप मोटिवेट थे, आपको खुशी जो है मिलेगी। तो वो आपका इंटरनल मोटिवेशन फैक्टर्स में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट? एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द इमोशनल कमिटमेंट द एम्प्लॉयज हैज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल। तो आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है कि वो अच्छे प्रॉफिट को अर्न करे, ठीक है, तो आप जो है इमोशनली तौर पे जो है कनेक्ट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये आपका इमोशनल कमिटमेंट है इम्प्लॉयज़ का, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन और उसके गोल्स को जो है पूरा करें। तो इम्प्लॉय एंगेजमेंट वही आपका जो इमोशनल कमिटमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए, तो उसी आपके इमोशनल कमिटमेंट को इम्प्लॉय एंगेजमेंट का नाम दिया गया। दिस इमोशनल कमिटमेंट मीन्स इंगेज इम्प्लॉय एक्चुअली केयर अबाउट देयर वर्क एंड कंपनी। तो इसका मतलब जो इम्प्लॉय है वो उस काम, उस कंपनी से, उस वर्क से जो है उसकी वो चिंता करता है। दे डोंट वर्क जस्ट फॉर पेच। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पैसों के लिए काम कर रहा है और जस्ट फॉर नेक्स्ट प्रमोशन, कि उसको प्रमोशन मिलेगा इसलिए काम कर रहा है, बट वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए भी जो है काम कर रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट पहले क्या था कि लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बीस बीस मतलब जिस ऐसा ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट ही जॉब थी, वो प्राइवेट भी जॉब में होता था कि लोग प्राइवेट जॉब से 20 साल 30 साल तक काम करके जो है रिटायर उसी ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होगी, उनको डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली होगी, बट क्योंकि वो जो है उनके साथ इमोशनली तौर पर कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते। तो यानी उस ऑर्गेनाइजेशन से जो गोल है वो उसको अपना गोल समझते हैं, उसके साथ वो खुद से जो है कनेक्ट खुद को फील करते हैं, ठीक है, इस तरीके की जो है फीलिंग आती है। तो उसी वाली फीलिंग को बोला जाता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो इसमें बोला गया कि सिर्फ पैसों के लिए या प्रमोशन के लिए आप जुड़े हुए नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बल्कि सच में आप उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझते हैं। व्हेन एम्प्लॉय केयर व्हेन दे आर एंगेज दे आर यूजिंग डिस्क्रिशनरी एफर्ट्स। तो इसमें जो है एम्प्लॉय सोचता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसे इमोशनली कनेक्ट होता है, इमोशनली कमिटमेंट होता है उस एम्प्लॉय का अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को लेके। तो वही हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस इन एचआरएम एंड एचआरडी? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, एचआरएम का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैनेज करने की बात आएगी, और ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये उसको डेवलप करने की बात आएगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है? ऐसा नहीं कि एक दिन में किसी को डेवलप किया जा सकता, तो डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, डेली। ऐसा नहीं कि एक दिन आपको ट्रेनिंग दी तो आप डेवलप हो गए, अब आप लाइफ टाइम तक, रिटायरमेंट तक इस डेवलपमेंट के साथ काम कर सकते हैं। डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो आपको एक तरह से डेवलप किया जा रहा है। तो बार बार जो ट्रेनिंग दी जाती है इंप्लॉयज को, तो वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील विद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मेनली एम्फेसिस द इम्प्लॉयज। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स है और इम्प्लॉयज जो है उस पर डील करता है। अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, सो इट फोकस ऑन ऑनगोइंग डेवलपमेंट पर्पस टू द ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन अ फॉर्मल पैटर्न। तो फॉर्मल वे में जो इम्प्लॉयज है उनको डेवलप करते रहना, ये एचआरडी का फंक्शन रहता है। इट इज रिएक्टेंट फंक्शंस डीलिंग विद द मैनेजमेंट, इट स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव फंक्शंस विच एक्ट एज ए सबसेट ऑफ एचआरएम। तो यानी अगर आपका ये एचआरएम है तो ये एचआरडी होगा, ठीक है। तो एचआरडी
एचआरएम का ही सबसेट के तौर पे काम करता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एचआरएम मेन है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सभी इंप्लॉयज़ को मैनेज करना, उनके लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है कि जो इम्प्लॉय ऑलरेडी हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, ताकि चैलेंजिंग जो जॉब रोल है चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से इम्प्लॉय को डेवलप किया जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, एक सबसेट है, कौन? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग? कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच वर्किंग पीपल थ्रू देयर यूनियन। तो इसमें क्या होगा कि जो यूनियन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो वर्कफोर्स को, जो एम्प्लॉय है स्टाफ है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वर्क फोर्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूनियन के द्वारा, और वो जो यूनियन होती है वो अपने वर्क फोर्स के बिहाफ पे जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो आपका एम्प्लॉयर है उनसे जो है आपकी बातें रखती है, उसी को बोला जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो उसको यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वर्किंग पीपल थ्रू देयर यूनियन नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट विद देयर एम्प्लॉयर। तो जो वर्किंग पीपल है मतलब जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयर से बात कर रहे हैं, किसके थ्रू? अपने यूनियन के थ्रू कर रहे हैं, टू डिटरमाइन देयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या उनकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स है, कितना उनको पेमेंट मिलेगा, किस हिसाब से बेनिफिट्स होंगे, कितने घंटे उनको काम करना है, कब उनको कितनी उनको लीव दी जा सकती है, उनकी जॉब की हेल्थ को लेके या सेफ्टी को लेके उनकी पॉलिसीज, और जो वर्क और फैमिली का जो बैलेंस है, इन सभी चीज़ों की जो डिस्कशन है वो यूनियन के थ्रू कराई जाएगी वर्क फोर्स के द्वारा अपने एम्प्लॉयर को। तो उसी को बोला जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब मिलके जो है उस बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि इतना सैलरी होना चाहिए, इतने घंटे काम करना चाहिए, इतनी लीव छुट्टी कम से कम मिलनी चाहिए, इतने बजे आना चाहिए। ठीक है, जॉब को लेके, हेल्थ को लेके, सेफ्टी पॉलिसीज को लेके, जो भी टर्म्स है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो नेगोशिएट किया जाता है यूनियन के द्वारा अपने एम्प्लॉयर से। तो यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पूरी वर्कफोर्स को जो रिप्रेजेंट करता है, तो उसी को बोला जाएगा कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन विदाउट पेइंग एनी हेड टू द लेवल। तो ऐसा नहीं है कि जैसे जनरली एक फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि आप अपने जैसे कोई भी बात है, तो जैसे मान लीजिए आपके हेड ऑफिस है या लोकल हेड ऑफिस आप मान लीजिए, तो मान लीजिए आपको कोई लोकल हेड ऑफिस में कोई बात करनी है, तो आप सीधे जो है लोकल हेड ऑफिस में नहीं बात करेंगे, आप अपने ब्रांच मैनेजर को बताएंगे और ब्रांच मैनेजर के चैनल के थ्रू आप अपने लोकल हेड ऑफिस में बात करेंगे। तो प्रॉपर एक कम्युनिकेशंस का चैनल रहता है कि जैसे क्लर्क को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने से जो सीनियर स्टाफ है उसको बताएगा, उसको कोई प्रॉब्लम है वो अपने से आगे जो सीनियर जैसे ब्रांच मैनेजर उसको बताएगा, ब्रांच मैनेजर को कोई प्रॉब्लम है वो लोकल हेड ऑफिस। तो डिपेंड करेगा कि एक प्रॉपर चैनल होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो सब चीज़ें रिटर्न में रहती है कि ये इसको कम्युनिकेट करेगा, वो उसको कम्युनिकेट करेगा, तो सारा कुछ रिटर्न में रहता है, तो उसको बोला जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रॉपर एक हायरार्की होती है और उसी हायरार्की के थ्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ भेजी जाएंगी। अगर हम बात करें इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल में कुछ फिक्स नहीं है, कहीं से भी कोई भी किसी को जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ शेयर कर रहा है, तो उसी वाले को बोला जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन विदाउट पेइंग एनी हेड टू द लेवल और अथॉरिटी। तो कौन लेवल है, कौन अथॉरिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जो है शेयर की जा रही है, उस वाले कम्युनिकेशन को बोला जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इसमें एक और लाइन ऐड की है, इट अराइज आउट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज जो एक दूसरे को जानते हैं तो उनका सोशल इंटरेक्शन है, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, एंड देन स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले जिनकी जान पहचान है, दोस्त हैं जो ऑफिस में, ठीक है, भले ब्रांचेस अलग अलग है, तो वहां से वहां इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, और फिर बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉपर चैनल है वहां पे इन्फॉर्मेशन को भेजा जाएगा। तो इनफॉर्मल मतलब प्रॉपर एक चैनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, उसके थ्रू नहीं, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही किसी भी डायरेक्शन में, कोई लेवल, कोई अथॉरिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? तो ये बहुत सिंपल सा टर्म है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना पैसा लगाया और उसमें आपको कितना रिटर्न मिला। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट किए, 10 साल बाद आपको मिल गए 1 लाख रुपये, तो पूरा आपको 200% का यहाँ पे रिटर्न मिल गया। कैसे? 50,000 रुपये हमने लगाए और बदले में हमें कितना मिला? 1 लाख रुपये हमें मिला। ठीक है, तो एक्चुअली हमने 50,000 लगाए और 1 लाख का हमें फायदा हुआ। तो ये रेशो होता है, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो रेशो है बिटवीन नेट इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। कितनी आपकी इनकम हुई, मतलब कितना आपने प्रॉफिट अर्न किया और कितनी आपने इन्वेस्ट की थी। ठीक है, तो उसके रेशो को बोला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, आपने मान लीजिए 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आपको 1 लाख रुपये की कमाई हुई, तो आपकी इनकम कितनी होगी? 1 लाख रुपये। तो 1 लाख को हम यहाँ रखेंगे, हमने लगाए कितने थे? 50,000 लगाए थे। अगर हम परसेंट में चाह रहे हैं आंसर को, तो यहाँ 100 लगाएंगे, तो ये कितने बार? 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 200% आ जाएगा। तो इसी को बोला जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमने पैसा लगाया
उसमें हमें कितने का रिटर्न मिल रहा है। अ हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टर्स गेन कंपेरेटिवली फेवरेबल टू इट्स कॉस्ट। अगर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिला है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको अलग अलग आपके इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है तो उनको आप कंपेयर कर सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हेल्प से। जैसे एक आपका ऑप्शन है 50,000 लगा के 1 लाख मिलेगा 10 साल में, एक और ऑप्शन है 50,000 लगा के मान लीजिए 80,000 मिलेगा 10 साल में। तो आप लोग अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। और इसमें से जिसमें भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा तो उस वाले प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 200% तक आएगा, लेकिन यहाँ पे 80 है तो 200 से तो कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख की कमाई होगी और यहाँ पे 80,000 की कमाई होगी 50,000 रुपये ही लगा के। तो ये अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है, तो हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे। तो रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो इससे हम जान सकते हैं कि जहाँ पर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कितना एफिशिएंसी, मतलब वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। या फिर अगर हम चाहें तो अलग अलग हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे, जैसे 2-3 आपको ऑप्शंस है कि आपके पास पैसा है उसको आप एफडी में करेंगे या शेयर मार्केट में लगाएंगे या म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, ठीक है। तो आप 2-3 जगह पे इन्वेस्टमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं कि मुझे रिटर्न कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो जहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे आप अपना इवेल्यूशन भी कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसीज को जो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशंस बैरियर। कम्युनिकेशंस बैरियर का क्या मतलब है, कम्युनिकेशंस बैरियर्स आर समथिंग दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम करेक्टली गेटिंग एंड एक्सेप्टिंग द मैसेज अदर्स यूज टू कम्युनिकेट देयर इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशंस बैरियर का मतलब कि एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो नहीं हो रही है, ठीक है, किसी और तरह से जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो ये आपको, ये जो कम्युनिकेशंस बैरियर मतलब किसी चीज़ को रोकना, तो आपके कम्युनिकेशंस को रोका जा रहा है, यानी प्रिवेंट हो रहा है, करेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन आपको अदर साइड से नहीं मिल पा रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इन्फॉर्मेशन ओवरलैड, चूजी परसेप्शंस, वर्क प्लेस गॉसिप्स या जेंडर डिफरेंसेस। तो इस कम्युनिकेशन बैरियर का क्या एग्जाम्पल, मतलब क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, या कुछ लोगों का बहुत होता है कि कोई बात बताते तो बहुत ही चूजी परसेप्शंस रहता है, मतलब वो बहुत सोच समझ के अपने हिसाब से जो है बात को बताते हैं। इन्फॉर्मेशन होगी कुछ, जैसे मान लीजिए ए ने बी को कुछ बोला, ठीक है, अब बी क्या करेगा, उसका अपना परसेप्शन है, उसने खुद से अपने आइडिया से उसने सोचा कि हाँ ऐसा है और उसने वो बात सी को बताई। तो ए से सी तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसको बोला जाएगा कम्युनिकेशंस बैरियर। क्यों, क्योंकि जो बी है, बी का नेचर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा चूजी परसेप्शंस का है, या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई, मतलब आपने बी को इतनी सारी बात बताई कि वो काफ़ी सारी बातें तो भूल गई और गिनी चुनी बातें उसने सी को बताई, तो वो भी कम्युनिकेशंस बैरियर हो जाएगा। या जेंडर डिफरेंसेस की वजह से जो है सही इन्फॉर्मेशन आपने नहीं भेजी, तो ये सारा हमारा कम्युनिकेशंस बैरियर हो सकता है। यानी ए से बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन जा रही है और वो उस फॉर्म में नहीं जा रही जिस फॉर्म में जानी चाहिए, या तो वो चेंज हो गई है, इन्फॉर्मेशन कुछ की कुछ हो गई है, ठीक है। उसका रीज़न हो सकता है कि किसी का बिहेवियर ही ऐसा है जिसको आपने इन्फॉर्मेशन बताई है, जो आगे बताएगा उसका बिहेवियर है कि आपने उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई तो आधी चीज़ वो भूल गया, या फिर आपने जो बताई उसने अपने हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के जो है बताया, तो उसको बोला जाएगा कम्युनिकेशंस बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जनरल कॉम्पिटेंसीज। जनरल कॉम्पिटेंसीज का क्या मतलब है, कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है योग्यता, किसी काम को करने की आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो ट्रेड्स है, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो जनरल कॉम्पिटेंसीज डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज, मोटिवेशन एंड ट्रेड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एफिशिएंटली इन अ वाइड रेंज ऑफ जॉब। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप की जॉब्स होती है, ठीक है, तो उस जॉब को करने के लिए आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज है, क्या क्या मोटिवेशन है, क्या क्या ट्रेड्स है, तो उन सबको कंबाइन करके बोला जाएगा आपकी ये जनरल कॉम्पिटेंसीज है। द 5 पैक जनरल कॉम्पिटेंस आपकी जो जनरल प्रोफेशंसीज है उसमें क्या जाएगा, इसमें आपका जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ओरल कम्युनिकेशन आपका कैसा है, और क्वांटिटेटिव लिटरेसी कितना है, और रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके कॉम्पिटेंसीज में आ जाएगी, इसी को बोला जाएगा जनरल कॉम्पिटेंसीज। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी चीज़ में आप किस तरह से सोचते हैं, किस हिसाब से आप क्रिएटिव वे में सोचते हैं, आपका ओरल कम्युनिकेशन कैसा है, रिटर्न कम्युनिकेशन कैसा है, लिटरेसी कैसा है, तो ये सारे आपके जनरल कॉम्पिटेंसीज के जो है एग्जाम्पल इसमें हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड इंडिविजुअल्स वर्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट। और परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि आपको जो रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश की गई है जॉब को करने के लिए और उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाएगा। इट इज अ सब्जेक्टिव इवेल्यूशन ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, रिलेटिव वर्थ टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जिस हिसाब से चाहिए इंप्लॉयज चाहिए, तो उसके कंपेरिजन में आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, उसका इवेल्यूशन जो है इसमें किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिंपल सा अगर हम मतलब जाने तो मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को, इसको बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमारे जो कहीं पर टाइपराइटर की जॉब्स है, ठीक है, अभी के टाइम पे ऐसा नहीं होगा, अगर कंपेयर कर लीजिए कि कहीं पर टाइपराइटर की कोई जॉब है तो उस जॉब के लिए मान लीजिए एक आपको 1 मिनट में 20 वर्ड्स का टाइपिंग का जो है स्किल्स रखा गया,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी टाइपिंग स्किल्स इतनी है कि आप 1 मिनट में 20 वर्ड्स टाइप कर पा रहे हैं, तो आपका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पे किया जाएगा कि आप किस तरह से जो है परफॉर्म करेंगे. तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड पीरियडिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश. तो काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए और आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका जो है कंपेरिजन किया जाएगा, उसका मेजरमेंट किया जाएगा, उसी को बोला जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसमें एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक किया जाएगा काम को लेके, उसी का एवेल्यूशन किया जाएगा एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट और फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसका इसमें कंपेरिजन किया जाएगा. तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे आपका टारगेट रखा जाता है और उस हिसाब से आपको बताया जाता है कि इतना टारगेट को आपको पूरा करना है. ऐसे ही बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल्स, तो यहाँ पर रेटिंग जो है दी जाती है. असेसमेंट सेंटर जिसमें एम्प्लॉय का असेसमेंट किया जाएगा. 360 डिग्री फीडबैक. 360 डिग्री फीडबैक का मतलब है आपसे जो सीनियर है, आपसे जो जूनियर है, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके जो कस्टमर है, सभी से आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप किस तरह से काम करते हैं. सभी से जो आपके बारे में फीडबैक लिया जाएगा उसको बोलते हैं 360 डिग्री. और ये कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 360 डिग्री फीडबैक क्या है. तो जितने भी लोगों को आप जानते हैं, आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं, आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जिनसे भी आप कम्युनिकेट करते हैं, तो उन सबसे आपके बारे में फीडबैक लिया जाएगा कि आप कैसा काम करते हैं. तो उसी को बोला जाता है 360 डिग्री. मतलब इसमें कोई छूटेगा ही नहीं. 360 डिग्री मतलब चारों तरफ से, चारों एंगल पे जो जो आपसे जुड़ा हुआ है, सबसे आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप कैसा काम करते हैं, आपके काम को लेकर उनसे फीडबैक लिया जाएगा. तो वो होता है हमारा 360 डिग्री फीडबैक. ऐसे साइकोलॉजिकल अप्रेजल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड. तो अलग अलग जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जानने के लिए कि आप किस तरह से जो है परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वालिटी सर्कल. क्वालिटी सर्कल क्या होता है? क्वालिटी सर्कल और क्वालिटी सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु डू सेम और सिमिलर वर्क. ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल उन लोगों के ग्रुप को बोला गया जो सेम टाइप का काम कर रहे हैं. हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई, एनालाइज दिस एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम. अगर मान लीजिए आप सेम तरीके का काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है हो सकती है काम में, पर सभी लोग सेम टाइप का काम या सेम काम कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि किस तरीके की परेशानी आ रही है. तो उन परेशानी के रिजोल्यूशन के लिए वो रेगुलरली मिलते हैं और एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, और देखते हैं कि काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, डिस्कशन के थ्रू. तो उसी को बोला जाता है क्वालिटी सर्कल. तो इसमें आपके 3 या ज़्यादा से 12 लोग हो सकते हैं. 3 से लेकर 12 लोगों का जो ग्रुप है, जनरली आपका क्वालिटी सर्कल देखने को, क्वालिटी सर्कल का ग्रुप देखने को मिलता है. तो क्वालिटी सर्कल में क्या है कि जो सेम टाइप का काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आईटी में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो 8-10 लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ग्रुप, उनको कोई परेशानी होती है तो उसको लेके वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये परेशानी है, फिर उसको एनालाइज करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है. तो उसी ग्रुप को बोला जाएगा क्वालिटी सर्कल. तो इससे फायदा क्या होता है, इससे जो चीज़ों की क्वालिटी इंप्रूव करती है. जो जापान है, जापान में जो चीज़ें बनती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी सर्कल का जो है ग्रुप बनाया जाता है. तो क्वालिटी सर्कल के ग्रुप में जो वर्कर्स है, जो सेम टाइप के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको मालूम है हमें किस किस टाइप की परेशानी का सामना करना पड़ता है. तो वो लोग आपस में मिलकर जो डिस्कशन करते कि ये परेशानी हमें देखने को मिल रही है और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर आपस में डिस्कशन के थ्रू जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है कि हाँ ऐसे किया जा सकता है. तो कहते हैं ना, डिस्कशन से चीजों का सॉल्यूशन निकलता है. तो क्वालिटी भी प्रोडक्ट की इंप्रूव होती है अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका एक क्वालिटी सर्कल है. तो इसमें डिस्कशन किया जाएगा कि ये परेशानी है, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाना चाहिए. तो उसी ग्रुप को बोला जाएगा क्वालिटी सर्कल. व्हाट इज मीन बाय हेलो फैक्ट. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार 1 नंबर का पूछ लेते हैं. तो हेलो इफेक्ट का मतलब है कि आप में मान लीजिए 10 अच्छी चीज़ें हैं, 10 अच्छी चीज़ें, लेकिन उसमें से सिर्फ आपकी एक चीज़ को देख के जो है आपके बारे में पता लगाना कि आप एक अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, उसी को बोला जाता है हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट इज ए फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव, इसमें एक्चुअली एक तरह से बाइस किया जा रहा है. मतलब इसमें थोड़ा सा भेदभाव इसमें आप बोल सकते हैं. मतलब आप, आपके अंदर 10 अच्छाइयाँ हैं, मान लीजिए 10 अच्छाइयाँ, लेकिन एक खराब है. उस खराब खूबी के बारे में बोल, उस खराब चीज के बारे में बोल के जो है आपके बारे में बोल रहा कि आप एक खराब इंसान है. एक आदमी मान लीजिए 10 खूबी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, ठीक है, ऐसे 10 8 10 अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, पर उसका एक पॉइंट खराब है कि बहुत ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है. तो सिर्फ इस बेसिस पे आपने एक एम्प्लॉय को बोला कि क्यों उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो वो एम्प्लॉय जो है एलिजिबल नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो वही हो जाएगा हेलो फैक्ट. मतलब इसमें जैसे एक एक होता है 360 डिग्री, इसमें हर किसी से जो है एम्प्लॉय के बारे में फीडबैक लिया जाता है. हेलो में क्या होगा कि एक तरह से बायस्ड इसमें किया जाएगा, सिर्फ एक पर्सन के, एक ही इसमें लिखा भी है कि हेलो फैक्ट लाइक टू कंसिडर ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन और ए प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म ए जनरल ओपिनियन. तो आप एक जनरल ओपिनियन बनाना चाह रहे हैं और आपने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लिया. इसको बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई भी क्लास है, मान लीजिए 10th क्लास है किसी स्कूल में, तो 10th क्लास के आपने एक बच्चे को पूछा मैथ्स का कोई फॉर्मूला,
उसको आपने पूछा कि ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, मान लीजिए उसने आपको गलत फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, 10th क्लास का वो बच्चा, तो आपने वो जो एक बच्चे को आपने पकड़ा, मान लीजिए उसका नाम है ए, और उसने गलत फॉर्मूला बता दिया, उसके बेसिस पर आपने जो है ये अज्यूम कर लिया पूरी क्लास को कि पूरी क्लास की जो मैथ्स है वो खराब है, पूरी क्लास में मैथ्स किसी को नहीं आती। तो ऐसा आपने एजर्शन किस बेसिस पे किया, सिर्फ एक बच्चे से पूछ के, और जो बच्चा था उसको मैथ्स नहीं आती थी, तो उसके बेसिस पे आपने पूरी क्लास का ही जनरल ओपिनियन दे दिया कि पूरी क्लास को मैथ्स नहीं आती, उनको मैथ्स के फॉर्मूले नहीं आते। तो वही एक तरीके का हेलो फैक्ट होता है, और ये एक अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरह से बायस्ड हो गया, इसमें भेदभाव हो गया, इसमें आप सही जो है राय नहीं दे रहे। तो ये एक इंडिविजुअल्स की है कि एक इंडिविजुअल के अंदर 10 अच्छी चीज़ें हैं पर एक खराब चीज़ है, तो उस एक खराब चीज़ के हिसाब से आप उसका जनरल ओपिनियन दे रहे हैं कि ये इंडिविजुअल फिट नहीं है, तो उसी को बोला जाता है हेलो फैक्ट। मैंने क्लास के एग्जाम्पल से भी आपको बताया, तो ये इंडिविजुअल्स की तरह आप समझेंगे कि एक इंडिविजुअल में 10 चीज़ें हैं, 10 में से उसके किसी आपने एक ही गुण को, एक ही एस्पेक्ट को कंसिडर किया और एक जनरल ओपिनियन दे दिया उस इंडिविजुअल के बारे में, उस एम्प्लॉय के बारे में, उसको बोला जाएगा हेलो फैक्ट, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि इससे हम स्नैप जजमेंट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की। इन अदर वर्ड्स द हेलो फैक्ट लेट्स अस टू कंसिडर ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन और ए प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू गिव जनरल ओपिनियन। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी पर्सन की आपने एक ही एस्पेक्ट को कंसिडर किया है एक जनरल ओपिनियन देने के लिए, उसको बोला जाएगा हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पैथी। इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन थॉट एंड फीलिंग इन द सिचुएशन फ्रॉम देयर। एम्पैथी मतलब दूसरे के दुख दर्द को समझ के खुद को फील करना। मान लीजिए किसी को कोई परेशानी हो रही है, आप खुद से फील कर सकते हैं कि उसको कैसा लग रहा होगा, ठीक है, तो वही होता है एम्पैथी। रेदर देन योर ओन, तो मतलब आप दूसरों के थॉट्स के हिसाब से सोच रहे हैं, अपने अपने हिसाब से नहीं, आप दूसरों के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आपकी एबिलिटी कि आप दूसरों के थॉट्स को, दूसरों की फीलिंग को जो है समझ सकते हैं, उसको ही बोला जाता है एम्पैथी। इट डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी वेयर वन इज मूव्ड बाय द थॉट एंड फीलिंग ऑफ अदर बट मेंटेन एन इमोशनल डिस्टेंस। तो ऐसी एक टर्म होती है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब आपको किसी से सहानुभूति है, मतलब आप दूसरों की फीलिंग या थॉट से मूव्ड, आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट एक अच्छा खासा इमोशनल डिस्टेंस जो है इसमें बना रहता है। लेकिन एम्पैथी में आप क्या करते हैं कि दूसरे को कैसा फील हो रहा है, बिल्कुल उस वाली चीज़ को फील कर पा रहे हैं, उसको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं, तो वो होता है एम्पैथी। तो मतलब ज़्यादा ज़्यादा अगर किसी पे ज़्यादा दयालु अगर हम बोला जाए तो एम्पैथी थोड़ा ज़्यादा दयालु एज कम्पेयर टू सिंपैथी, ठीक है। तो एम्पैथी में हम क्या, दूसरों को जैसे बोलते हैं ना कि हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, अगर आप सच में समझ पा रहे हैं कि दूसरे को कैसा फील हो रहा है, तो आपके अंदर जो है एम्पैथी वाला गुण है, तो उसी को बोला जाता है एम्पैथी। वट इज स्वॉट एनालिसिस, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 नंबर का। तो स्वॉट का पहले फुल फॉर्म आपको याद रख के जाना होगा, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो ये क्या होता है, ये कोई भी जो इंड्यूसर्स है उसके इन्वायरमेंट के वो जो है स्टडी करने के काम होता है। कोई भी अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो स्ट्रेंथ और वीकनेस मतलब क्या चीज़ आपकी सबसे अच्छी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस मतलब क्या कमी है जिसमें आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज मतलब कोई भी कंपनी है मान लीजिए उसको मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है, थ्रेट्स का मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिसको, जिससे उनको अपना खतरा है, जैसे मान लीजिए अपने कॉम्पिटिटर्स वो बहुत पीछे है, किस मामले में वो पीछे है, तो उसको थ्रेट बोला जाएगा। तो स्वॉट एनालिसिस जो है जानने के लिए किया जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो किस हिसाब से रोल प्ले कर रही है, उसकी पोजिशन क्या है एज कम्पेयर टू अदर। द प्राइमरी गोल ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ फैक्टर्स दैट गो इन टू मेकिंग अ बिजनेस। तो इससे क्या होता है कि आप कोई बिजनेस को लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या कोई बिजनेस का डिसीजन ले रहे हैं, तो आप अपने पहले स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, तो काफ़ी आइडिया तो आपके आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लग जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से, और फिर आप उस तरह से अपना काम कर सकते हो। तो वही हो जाएगा आपका स्वॉट, यानी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हॉथोर्न इफेक्ट, ये क्या होता है। तो इसमें देखिए, इसमें इसको अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हैं तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। इस लाइन को, इस वाली लाइन को समझिए। तो मेन कंक्लूजन ऑफ हॉथोर्न स्टडी वाज दैट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी चेंज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वर्कर्स वर बीइंग ऑब्जर्व। तो जब आप वर्कर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए आपको घर बनवाना है, आपने क्या किया, ठेकेदारी पे अपना घर नहीं बनवाया, आप एक मिस्त्री को लेके आए, एक लेबर को लेके आए, और डेली आपका घर थोड़ा थोड़ा करके बना रहा है। तो जिस जिस दिन आप उसको देखोगे कि वो काम कर रहा है तो वो अच्छे से काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जिस दिन आप नहीं उसको देखोगे तो आप देखोगे कि उस दिन काम कम हुआ है। तो ये बिल्कुल उसी वाले इफेक्ट को बोलते हैं हॉथोर्न इफेक्ट, कि अगर आप जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो अगर आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, काम करते हो, देख रहे हो क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यानी वो काम करते हैं, वो देखते हैं कि हमें अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अच्छा काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर नहीं उनको कोई देखता तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो वही आपका हॉथोर्न इफेक्ट, ठीक है। तो ये इल्टन मायो के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। इसमें इन्होंने बोला था कि
इन दिस एक्सपेरिमेंट इंटेंड टू मेजर हाउ ए वर्क इन्वायरमेंट इम्पैक्ट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, कि जो वर्क का इन्वायरमेंट है वो कैसे किसी भी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है. माय रिसर्च नोटेड दैट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नॉट फ्रॉम चेंजेस इन इन्वायरमेंट बट व्हेन बीइंग वॉच्ड. तो बोल रहा है कि इन्वायरमेंट चेंज होने से नहीं, लेकिन जब आप वॉच करते हो अपने वर्कर्स को काम करते हो देखते हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. तो इसलिए आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे मान लीजिए 30-40 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन 40 वर्कर्स में एक सुपरवाइजर को रखा जाता है. सुपरवाइजर का काम है उनको देखना कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, किस तरीके से काम कर रहे हैं. तो जिस दिन सुपरवाइजर छुट्टी पे होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू जब सुपरवाइजर ऑफिस में उनको देखता है. तो यानी वॉच करते हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. तो यही एक्सपेरिमेंट किया गया था एल्टन मायो के द्वारा, उसी को बोला गया इन्होंने हॉथर्न इफेक्ट. ठीक है, तो उसका कंक्लूजन इस स्टडी का यही आया था कि उनकी प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाती है जब वर्कर्स को ऑब्जर्व किया जाता है. और बोल रहा है कि और भी कई सारी चीज़ों से जो है और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट के वेरिएबल है जिनसे प्रोडक्टिविटी चेंज होती है. जैसे आपकी सैलरी अगर बढ़ा देंगे तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन रिसर्चर्स ने इस बात को कंक्लूड किया कि जो अटेंशन है मतलब आप उनको देख रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो एक मेन फैक्टर था जिससे अच्छा खासा आपको रिजल्ट में चेंजेस देखने को जो है मिला था. तो वही हमारा हॉथर्न इफेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज कोहनसन इन एचआरएम? कोहनसन अगर हम कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दिस टर्म इज यूज टू रेफर टू एन इफेक्टिव एंड फ्रेंडली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टीम हु वर्क टुगेदर. तो मान लीजिए एक टीम है जिनका एक गोल है, कुछ गोल उनको अचीव करना है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली है, एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्टिव है, तो उसी को बोला जाता है ग्रुप कोहेंसिव. कोहेंसिव का मतलब होता है जुड़ाव, मतलब ग्रुप के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट फील करते हैं, बहुत फ्रेंडली एक दूसरे के साथ सपोर्ट वाली उनको फीलिंग आती है. वो किस वजह से होता है? वो ग्रुप कोहेंसिव की वजह से होता है. सिंपली पुट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल बॉन्ड दैट हेल्प मेंबर्स ऑफ ग्रुप स्टे मोटिवेटेड एंड एंगेज इन द प्रोसेस. तो इसमें क्या है कि ग्रुप में आप मिलकर काम कर रहे हैं तो आपस में एक तरह से बॉन्डिंग आ जाती है, तो आप मोटिवेशन होकर और पॉजिटिव वे में जो अपने काम को करते हैं तो वही आपका ग्रुप कोहेसिव है. मतलब जैसे जुड़ाव हो जाता है ना किसी ग्रुप में, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस ग्रुप के साथ आप जुड़ जाते हैं, इमोशनली कनेक्ट आप हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप मोटिवेशन फील करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होकर आप काम करते हैं, तो वो आपका ग्रुप कोहेसिव इसमें हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैक्स वेबर थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया था. तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी ब्यूरोक्रेसी की? तो मैक्स वेबर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बोला था ब्यूरोक्रेसी एज ए हाईली स्ट्रक्चर फॉर्मलाइज एंड इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बहुत ही स्ट्रक्चर वे में और बहुत ही फॉर्मल वे में ये होनी चाहिए, फॉर्मलाइज वे में ये होनी चाहिए. ही ऑल्सो इंस्टिट्यूटेड द बिलीव दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव डिफाइंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर. इन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड क्लियर रूल एंड रेगुलेशंस एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी. तो प्रॉपर रूल और रेगुलेशंस और प्रॉपर अथॉरिटी की किसको क्या क्या पावर दी जाएगी वो पहले से जो है डिसाइड हो जाना चाहिए. तो ऐसा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस तरह से इन्होंने बोला था. तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि बाद में अभी जैसे आप बैंक में भी है तो सबको मालूम है कि हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या हमें पावर है, तो हर कोई काम करता है. लेकिन अगर मान लीजिए डिफाइन नहीं होती तो सारा कुछ बहुत डिस्टर्ब हो जाता, बहुत हौच पुच हो जाता, कोई भी अपने काम को नहीं करता या कोई अपना काम अपने साथ वाले को पास कर देता, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता ना कौन सा काम किसको करना है. तो वही बोला था इन्होंने कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे BM है, Scale 3 है मान लीजिए, फिर Scale 2 कोई आपका अकाउंटेंट है या फील्ड ऑफिसर है, तो प्रॉपर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए और सही एकदम क्लियर कट रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी मतलब किस किस को किस चीज़ की पावर दी गई है वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए. बैंकों में भी आपने देखा होगा प्रॉपर सर्कुलर होता है, उसमें मालूम होता है कि किसको कितनी पावर दी गई है, अगर आप कैश क्यू पास कर सकते हो तो कितने रुपये तक आप कैश क्यू पास कर सकते हैं, कितने का नहीं कर सकते, कितने का आप ट्रांसफर कर सकते, तो ये सारी चीजें जो है वहां पे मेंशन की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज फ्रेडरिक टेलर मोटिवेशन थ्योरी? तो फ्रेडरिक टेलर ने एक मोटिवेशन थ्योरी दी थी, तो वो क्या थ्योरी थी? तो टेलर के द्वारा एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी गई थी. इनका ये जो उनकी मोटिवेशन थ्योरी थी ना, तो ये मोटिवेशन को लेके थी कि जो एम्प्लॉय है वो काम को मोटिवेशंस के साथ करना पसंद करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. ठीक है, तो उनकी थ्योरी आर्गूड दैट मनी इज द मेन फोर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉय टू वर्क एट ए कंपनी. तो बोल रहा है कि पैसा सबसे जरूरी चीज़ है, तो कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है इसलिए करता है क्योंकि उसको पैसा मिलता है. देयरफॉर टू मोटिवेट एम्प्लॉय फ्रेडरिक टेलर सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग एम्प्लॉयज एज ए फिक्स सैलरी दे शुड रिसीव परफॉर्मेंस. तो बोल रहा है कि आप सबको फिक्स सैलरी मत पे करो,
परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है सैलरी पे करो। ही बिलीव दैट इट वुड मोटिवेट वर्कर्स टू वर्क हार्डर विदाउट सुपरवाइजन। तो इसके लिए आपको सुपरवाइजर की भी जरूरत नहीं है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अगर आप ज़्यादा पैसे दोगे तो आप चाहे सुपरवाइजर रखो या ना रखो वो अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि आप उनको उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप उनको अलग से पैसा दे रहे हो। तो बोल रहे कि जो सैलरी है ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए 10 लोग हैं सबको बराबर सैलरी है तो वो सोचेंगे कि काम करे ना करे सैलरी तो इतनी मिलनी है। लेकिन अगर वही सैलरी आपकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड हो कि अगर आपने इतना परफॉर्म किया तभी आपको, मतलब आपकी जो सैलरी है आपके परफॉर्मेंस अगर जुड़ी रहेगी तो आप देखोगे कि अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तब हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो उस केस में सुपरवाइज करने का जरूरत ही नहीं। जो पैसा है उसने आपके सुपरवाइजर का रोल खत्म कर दिया। बिना सुपरवाइज के ही लोग अपने काम को करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका सैलरी जुड़ा हुआ है। तो वही था हमारा फ्रेडरिक टेलर का मोटिवेशन थ्योरी। तो इन्होंने बोला कि मोटिवेशन मतलब पैसा, मनी। अगर आप अच्छा पैसा दोगे तो लोग काम करेंगे, और पैसा भी आपको कैसे देना है, परफॉर्मेंस के हिसाब से। जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अच्छे पैसे दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। तो यही हमारा फ्रेडरिक टेलर का मोटिवेशन थ्योरी में बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपका, 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है? आपके दोस्तों से, आपके कलीग्स, आपके कस्टमर से, सबसे आपके बारे में पूछना कि क्या राय है, आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह का काम करते हैं। तो सबसे आपके बारे में फीडबैक लेना वो हो जाएगा 360 डिग्री। 360 में मतलब कोई एंगल छूटेगा ही नहीं। यहाँ पे आपके कस्टमर्स है, यहाँ आपका ब्रांच मैनेजर है, यहाँ पे आपके जूनियर्स है, ठीक है, जो आपके अंडर काम करते हैं, बट उनसे भी आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप कैसे, आपके बारे में फीडबैक आपके जूनियर से भी लिया जाएगा। सो 360 डिग्री फीडबैक इज अ फीडबैक प्रोसेस वेयर नॉट जस्ट योर सुपीरियर बट ऑल्सो योर पीयर्स, डायरेक्ट रिपोर्टर्स, समटाइम्स इवन कस्टमर रिलेटिव। तो आपका रिलेशन सिर्फ आपके सुपीरियर्स नहीं बल्कि आपके साथ ही जो है, आपके जो जूनियर्स है, आपके कस्टमर्स भी जो आपका रिलेशन करते हैं, तो उसी को बोला जाएगा 360 डिग्री फीडबैक। यू रिसीव एन एनालिसिस ऑफ हाउ यू परसीव यूर सेल्फ एंड हाउ अदर्स, मतलब आप खुद को कैसे परसीव कर रहे हैं और बाकी लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं। तो इसकी एनालिसिस 360 डिग्री फीडबैक से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? तो अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है? इट इज़ ए कंपनी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर इट हैज आउटस्टैंडिंग। तो कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया। अभी नेट प्रॉफिट कैसे आता है उसकी भी पूरी स्टोरी है। पहला सेल्स होता है, उसमें से जो जो चीज़ें हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंस, सबको माइनस कर देते हैं। फिर टैक्स, डेप्रिसिएशन, सबको माइनस करते हैं। फिर लास्ट में जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। उसको आप करोगे कि आपके कितने शेयर्स हैं, आपके जो कॉमन शेयर्स हैं उनसे आप उसको डिवाइड करोगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आपके कितने शेयर्स हैं, कितने कॉमन शेयर्स हैं आपके आउटस्टैंडिंग, तो उनके ही रेशियो को बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। वट इज सेल्फ एवेल्यूशन? सेल्फ एवेल्यूशन क्या है? मतलब खुद से या खुद का असेसमेंट करना, ठीक है, इसको आप सेल्फ असेसमेंट भी बोल सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू। इट गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू असेस योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया, आप खुद का जो है असेसमेंट कर रहे हैं। एरियाज यू आर बेस्ट परफॉर्मिंग, ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और जहाँ पे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ एवेल्यूशन। बहुत से बैंकों में ऐसा होता है कि जब साल खत्म होता है ना आपका 31 मार्च, तो उसके बाद बोला जाता है कि आप अपने बारे में लिखो कि हमने क्या क्या अच्छा काम किया, क्या हमारी कुछ कमियाँ रह गई, कहाँ हम खुद को इम्प्रूव कर सकते थे, कहाँ हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो खुद से हमें अपने बारे में लिखना होता है कि हमने ये काम किया, हम यहाँ यहाँ पे इम्प्रूव, हमने बहुत अच्छा किया, यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या यहाँ पे हम अच्छे काम नहीं कर पाए, या ये सारी हमें परेशानियाँ हुई। तो सारा कुछ जो अपने बारे में लिखा जाता है तो वो ये सेल्फ एवेल्यूशन है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही कि हमें खुद के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमने किस तरह से काम किया, हमने किस हिसाब से परफॉर्मेंस अपनी दी है। तो सेल्फ एवेल्यूशन को सेल्फ असेसमेंट भी बोला जाता है। तो इसमें एम्प्लॉय खुद से अपनी परफॉर्मेंस का रिव्यू देता है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे काम किया। तो इसमें एक तरह से इम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। इट गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू असेस योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप असेसमेंट करो। असेसमेंट होता है किसी चीज़ का आंकलन करना, मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप आकलन करो कि आपका अपनी कंपनी को क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, आपने क्या अपनी कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते थे। तो वही हो जाएगा हमारा सेल्फ एवेल्यूशन। इसके साथ ये वाला वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, और जितने भी आपके 400 के आसपास, 400 प्लस के जो एचआरएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको टू हैंड्स के ऐप में मिल जाएंगे। जो पीडीएफ आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पीडीएफ का आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने वीडियोज़ बनाई है मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, और ये जो 400 क्वेश्चन है इसको आप लोग ऐप से अवेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।